हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है, जो कि है समोसा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डो बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैंने एक कप मैदा ले लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने एक चम्मच अजवाइन प्रेस करके डाल दी है। और इसमें एक चम्मच नमक डाल दिया है। अब इसमें मैंने 5 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। मैंने इसमें रिफाइंड तेल ऐड किया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हथेली से हमें मिक्स करना है जिससे ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। ये देखिए मोयन हमारा सही पड़ा है। अब हम इसको पानी डाल के अच्छा सा डो बना लेंगे। ज़्यादा ढीला डो नहीं बनाना है हमें, बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह हम रोटियों का डो बनाते हैं बस उसी प्रकार बनाना है। डो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए रख लेंगे। अब हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने बॉयल आलू ले लिया और एक कटोरी फ्रेश मटर ले लिया है। अब इसमें मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन और हरी धनिया ले लिए है। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है गैस पे। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। इसमें मैंने जीरा और सौंफ और एक चम्मच साबुत धनिया डाली है। अब इसमें मैंने एक चम्मच वही अदरक डाल दिया है। इसको अच्छे से पका लेंगे। इसमें मैंने गार्लिक भी डाल दिए हैं। अब मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड करके इनको भी अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें हरी मटर डाल देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल के इसको थोड़ा पका। प्लेट में महाराजा की तरह बैठाल देना है।
अब इसी प्रकार हम दूसरा भी बनाएंगे। सेम मेथड से हम इसकी भी फिलिंग भरेंगे। इसको भी पानी लगा के अच्छे से दबा देंगे। सारे महाराजा प्लेट में बैठ चुके। अब हमने एक कढ़ाई पे तेल गरम कर दिया है और इसको हम छोटा सा मैदा का डो डाल के हम इसको चेक करते हैं कि तेल हमारा गरम हुआ है या नहीं। अब देखते हैं तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके सारे समोसे डाल देंगे। लो ये महाराजा तो गिर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको हम ऐसे ही लिटा लिटा के पकाएंगे। अब इनको हम चारों तरफ से अच्छे से तलेंगे। जब ये ब्राउन हो जाए बस इतना इन्हें पकाना है। ये देखिए हमारे समोसे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब आप इन्हें लाल या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस मज़ेदार समोसे की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी समोसे की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।